मॉर्निंग एवरीवन, आप सभी का अपने चैनल पे स्वागत है। देखिए एनटीए के एग्जामिनेशन पेपर 12 सितंबर को होता है और नीट के पेपर 2:30 बजे पेपर लीक हो जाती है। जयपुर ही नहीं, बिहार में आपके पटना, लखनऊ, जयपुर, राजस्थान, ये डिस्ट्रिक्ट का मामला नहीं है, कई डिस्ट्रिक्टों में पेपर का लीक होने के बावजूद और इसकी इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, जहां तक कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन कह सकते हैं कि पुलिस विभाग करते यानी तफ्तीश जो कर रही है उसके टीम के द्वारा भी ये बात को मानी जा रही है, स्टेटमेंट आ रहा है, कई आईसी का भी स्टेटमेंट आ गया है कि पेपर लीक हुआ। इसी बीच में एनटीए के डायरेक्टर कल रात देर रात में हिंदुस्तान टाइम से बात करते हुए एक खबर आती है कि नीट एग्जामिनेशन का आंसर शीट तैयार की जा रही है, इससे यही मकसद निकाला जा सकता है। और उन्होंने आगे भी इस बात को भी क्लियर कर दिया कि नीट का एग्जामिनेशन को कैंसिल नहीं किया जाएगा। ये बहुत ही शॉकिंग अप टू डेट है कि क्या नीट का पेपर लीक होने के बावजूद उनका स्टेटमेंट आता है कि रिकंडक्ट नहीं किया जाएगा, री एग्जाम नहीं लिया जाएगा और नीट का आंसर शीट तैयार किया जा रहा है और रिजल्ट आपका तैयार होगा। ये बहुत बड़ी बात है। उन्होंने कहा कि क्वेश्चन वायरल का कोई मतलब ही नहीं निकलता है। अगर यह ऐसी बात है तो फेयर क्यों नहीं एग्जाम होती है नीट, ये एक सवालिया निशान है। अगर क्वेश्चन वायरल होता है तो इसमें एनटीए का मानते हैं उससे पहले नहीं एग्जामिनेशन पेपर हॉल में देने के बाद वायरल हुआ है, आधा घंटा बाद वायरल हुआ है या 20 मिनट बाद वायरल हुआ है, तो आखिर ऐसा नकेल क्यों नहीं कसती है एनटीए कि इस तरह का क्वेश्चन को वायरल ना हो सके, एग्जामिनेशन सेंटर को मैनेज क्यों नहीं वो अपने स्तर से टाइट करती है। इससे हमारे जो और जो मेहनत करने वाले बच्चे हैं, जो अपने मेरिट पर लिस्ट पर अपने आप को बनाने वाले हैं, उन बच्चों का तो भविष्य अंधकार हो जाता है, उनके सपने में पंख नहीं लग पाते हैं। तो क्या इसके लिए भी जिम्मेदार एनटीए तो है, एकदम है, मेरे हिसाब से एनटीए है क्योंकि वही बहुत बड़ी संस्था है जो इस एग्जाम को कंडक्ट करती है। सो गाइस वीडियो को शेयर जरूर कर दें और लाइक एंड शेयर करें। जय हिंद।